हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्केट वर्ल्ड। आज के वीडियो में इनलाइन स्केट्स खरीदते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले, क्या कभी आपने नोटिस किया कि हम एक मिनट में कितनी बार अपनी आईज ब्लिंक करते हैं? फ्रेंड्स, ऑन एन एवरेज एक मेल एक मिनट में लगभग 11 times अपनी आईज ब्लिंक करता है और एक फीमेल एक मिनट में लगभग 19 times अपनी आईज ब्लिंक करती हैं। फ्रेंड्स, अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि इनलाइन स्केट्स खरीदते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आपके सामने ये हो गया इनलाइन स्केट्स, प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके कौन से पार्ट्स होते हैं। इनलाइन स्केट्स का फर्स्ट पार्ट इनलाइन बूट। अब आपने इनलाइन बूट लेते हुए किस बात का ध्यान रखना है? पहले तो इसका वेट, इनलाइन बूट का वेट कम होना चाहिए। अगर बूट हैवी है तो स्केटर को स्केटिंग करते हुए दिक्कत आएगी। और दूसरा पॉइंट, इनलाइन बूट बनाता कार्बन फाइबर का, ये कार्बन फाइबर हो गया। इसमें क्या चीटिंग होती है, कार्बन फाइबर की जगह लोग डुप्लीकेट मटेरियल लगा देते हैं, उससे एक तो बूट हैवी हो जाता है, दूसरा वो बूट टूट सकता है। अभी आपको मैं टूटा हुआ बूट दिखाता हूँ कि बूट कहाँ से टूटता है। आपके सामने एक टूटा हुआ इनलाइन बूट, ये बूट आगे से ऐसे क्रैक हो जाता है। अगर आपका कार्बन फाइबर सही नहीं है, उसकी प्रॉपर लेयर्स अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 layers कार्बन होता है। अगर कार्बन फाइबर की पूरी लेयर्स नहीं लगी या डुप्लीकेट कार्बन फाइबर लगा रखा है तो बूट ऐसे टूट जाता है। आपने इस बात का खास ध्यान रखना कि आपका इनलाइन बूट कार्बन फाइबर का हो। और नेक्स्ट पॉइंट, इनलाइन बूट में से जिस तरह ये जहाँ पे हम बोल्ट कसते हैं ये बुश बाहर आ जाता है। अभी आपको मैं बुश दिखाता हूँ कैसे बाहर आता है। अगर आपके इनलाइन बूट का कार्बन फाइबर अच्छा नहीं है, उसकी पूरी लेयर्स नहीं लगी हुई, तो इस तरह इनलाइन बूट का बुश बाहर आ जाता है। ऐसी सिचुएशन आपको करना क्या है, आपको जिस कंपनी से इनलाइन बूट आपने लिया है उसको आपको रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका फॉल्ट नहीं है, स्केटर का फॉल्ट नहीं है। इनलाइन बूट का टूटना या बुश का बाहर आना, इसका मतलब उसमें कार्बन फाइबर की लेयर्स पूरी नहीं है, या कार्बन फाइबर अच्छा नहीं लगा हुआ, या डुप्लीकेट मटेरियल लगा हुआ है। और इनलाइन स्केट्स का सेकंड पार्ट, इनलाइन फ्रेम। फ्रेंड्स, ये फ्रेम एल्यूमिनियम का बना होता है। ये फ्रेम स्टील का क्यों नहीं बनता, क्योंकि अगर स्टील या लोहे का बन जाएगा तो बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए इस फ्रेम को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। इसमें एल्यूमिनियम 6000 series, एल्यूमिनियम 7000 series इसका यूज किया जाता है। पर आपको उससे क्या लेना, आपको होना चाहिए कि जब आप फ्रेम ले रहे हैं तो आपका फ्रेम स्केटिंग करते हो कहीं क्रैक ना हो। अगर फ्रेम क्रैक हो रहा है तो उसका मतलब है उसमें एल्यूमिनियम अच्छा नहीं लगा हुआ। अगर फ्रेम क्रैक होता है तो जिस कंपनी से आपने फ्रेम लिया है उसको आपको रिप्लेसमेंट देनी चाहिए। हाँ, अगर स्केटर का एक्सीडेंट हो गई, से कि रिंक में टक्कर लग गई या स्केटर गिर गया और फ्रेम बेंड हो गया, तब जिम्मेवारी स्केटर की बनती है, आपकी बनती है, कंपनी की नहीं बनती। हाँ, अगर फ्रेम क्रैक हो गया तो इसका मतलब है कि फ्रेम की क्वालिटी एल्यूमिनियम की अच्छी नहीं है, तो उसकी रिप्लेसमेंट आपको कंपनी से मिलनी चाहिए। और नेक्स्ट पार्ट, इनलाइन व्हील। फ्रेंड्स, आपको इनलाइन स्केट्स के लिए हाई स्पीड व्हील लेना है, आपको मीडियम या लो स्पीड व्हील नहीं लेना है। पर आप कैसे चेक करेंगे कि आपका व्हील हाई स्पीड व्हील है या लो स्पीड व्हील है? सबसे पहले अपने व्हील को अपने हाथ में ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे ग्राउंड पे छोड़िए। अगर व्हील अच्छा होगा तो बाउंस आपके लगभग फेस लेवल 5 to 6 feet का बाउंस आएगा। सिंपल छोड़ा और ये व्हील आपके हाथ में आ गया, इसका मतलब ये व्हील का बाउंस अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का व्हील है। और अगर आपका व्हील अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसका बाउंस कम आएगा, उसकी स्पीड भी कम है, उसको आपने कैसे चेक करना है? व्हील छोड़ा, आपके सामने 1 foot लगभग जंप आया, उस व्हील का जंप कम रहेगा, जबकि जिस व्हील की स्पीड अच्छी है उसका बाउंस 5 to 6 feet आ जाएगा। और फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट, आपके इनलाइन स्केट्स के बैरिंग। फ्रेंड्स, ये बैरिंग आपके हाई स्पीड होनी चाहिए, इस पे बैरिंग की ग्रेडिंग लिखी होनी चाहिए। इस पे लिखा है ABC 9, ये बैरिंग की ग्रेडिंग होती है। और साथ में जो बैरिंग की बॉल केज रिटेनर, जिसमें बॉल्स फिट होती हैं, नायलॉन की है, ये हाई स्पीड बैरिंग है। और आपको बैरिंग हाथ में लेके पता लग जाएगा बैरिंग की स्मूथनेस, कि बैरिंग स्मूथ होना चाहिए। इस तरह हल्का सा आप हाथ से रोल करेंगे तो ये बैरिंग स्मूथ आपको होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो चारों पार्ट हो गए इनलाइन स्केट्स के। अब इन चारों पार्ट्स में बूट, फ्रेम, व्हील एंड बैरिंग,
इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बूट को डिटेल में कैसे आपको बूट के बारे में समझना है, क्या इसमें बक्कर होता है, क्या स्ट्रैप होता है, क्या स्ट्रैप होल्डर होता है, इसी तरह व्हील के बारे में, इसी तरह फ्रेम के बारे में, फ्रेम लेंथ और थ्री व्हील फ्रेम, फोर व्हील फ्रेम, व्हील का डायामीटर और बैरिंग की क्वालिटी, इसके बारे में फ्रेंड्स मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा इनलाइन स्केट्स के चार पार्ट होते हैं, इनलाइन बूट, इनलाइन फ्रेम, बैरिंग्स और व्हील्स। फ्रेंड्स आपने इनलाइन स्केट्स लेते हुए इन चारों के बारे में ध्यान से स्टडी करना है और इनको ध्यान से लेना है। फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको इनलाइन स्केट्स लेते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपका क्वेश्चन है मेरे को व्हाट्सएप पे जाकर रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स अब एक और फैक्ट आपके लिए, कैमिलियन जिसे हम गिरगिट भी बोलते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो अपना कलर कैसे बदलता है? अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अपना कलर कर लेता है। हमें लगता था वो देख के करता है, नहीं फ्रेंड्स, अगर कैमिलियन ब्लाइंड अंधा भी हो तब भी उसकी बॉडी पे सेल्स होते हैं क्रोमेटोफोरस, वो ऑटोमेटिकली उसका कलर अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से कर देते हैं। फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।